यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो हर जगह आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएगा। पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके रास्ते को छोटा किया जा रहा है उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। जो भी पैदल यात्री आ रहे हैं उनके लिए पूरा रोड अवेलेबल रहना चाहिए। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमितमन। अभी हम फिलहाल खाटों के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आप जो पब्लिक है उसको देख रहे हैं और उसके साथ साथ में जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए या फिर अगर कहें कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम करने के लिए यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है और हमारे साथ में जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। और साफ तौर पे अगर एक बात आप देख पाएंगे यहाँ पे कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो हर जगह आपको चप्पे चप्पे पर नज़र आएगा और उन्हीं से हम अब बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पीछे हमने देखा था कि वहाँ पर जो दुकानें अलग तरीके से लगाई गई थी या फिर अगर कहें कि कुछ दुकानें थी वो लगभग अगर अवैध तरीके से उनको बताया जाए तो वो थे और उनको हटाने की जो कोशिश थी वो भी की गई थी और वही जो सारी चीज़ें थी वो लगातार पीछे हो रही थी जिनको कि हम देख पा रहे थे। और अभी भी जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है और अब हम बात भी करेंगे और सभी चीज़ें जो हैं वो जानने की एक बार कोशिश करेंगे। सर अभी आप पिछली तरफ से आ रहे थे तो जो दुकान वाले थे क्या वो अवैध थी जिनको आप बोल रहे थे कि यहाँ से हटा लें? पैदल यात्रियों के आने के लिए जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते में कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान आगे बढ़ा करके तंबू लगा करके उस रोड को कवर करने का अधिकार नहीं रखता। किसी भी जगह पर ऐसी रोड पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके रास्ते को छोटा किया जा रहा है उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। जो भी पैदल यात्री आ रहे हैं उनके लिए पूरा रोड अवेलेबल रहना चाहिए। जो भी व्यापारी ये कर रहे हैं वो पूरी तरह से यात्रियों के लिए बहुत ही कम रोड छोड़ करके उनके आवागमन को बाधित कर रहे हैं जिसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो पुलिस प्रशासन की अगर बात करें क्योंकि चप्पे चप्पे पर अभी जो पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है तो भक्तों के लिए एक जो व्यवस्था है वो आप लोग देख रहे हैं तो किस प्रकार से मतलब कोई अलग से आप लोगों ने कोई नियम कायदे अभी जो बनाए हैं इस चीज़ के लिए? देखिए नियम कायदे हमेशा से एक ही हैं जी, सभी को अनुशासन में रह करके जो निर्धारित रूट है उस पर चल करके बाबा के दर्शन के लिए जाना होता है। जो भी इसका उल्लंघन करते हैं जो जाप्ता उपलब्ध है वो उन लोगों को रोकता है टोकता है और उनको इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो अपने नियमों के दायरे में रह करके ही चलें। जहां पर भी पुलिस को ये लगता है कि कहीं भीड़ हो रही है किसी प्रकार का दबाव बन रहा है वहाँ पर पुलिस जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित कराती है। जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए अगर मैसेज की बात करें या फिर अभी जो आपने असुविधाएं देखी जिन भी लोगों के द्वारा जो असुविधा हो रही है उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे के लिए बिजनेस के लिए बार बार नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। पुलिस जाप्ता इसीलिए मौजूद है कि लोगों को उनके व्यापार के नाम पर दर्शनार्थियों को यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाए। जहां पर भी हमें ऐसा नजर आएगा कि लोग दर्शनार्थियों को परेशान करने वाला कोई भी कृत्य कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगर वो कहने से नहीं मानेंगे तो सारे नियम जो है वो स्पष्ट रूप से उनके विरुद्ध जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करने का पुलिस को अधिकार देते हैं। धन्यवाद। तो राष्ट्रदीप जी हमारे साथ में मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे अभी और यहाँ से जो पूरा पुलिस प्रशासन है पुलिस बल है उसको जाते हुए आप यहाँ से देख सकते हैं और साफ तौर पे हमने पीछे भी आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो किस प्रकार से पीछे की तरफ से जो पूरा का पूरा जो माहौल था वहाँ पे जिस तरीके से जो भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको जो असुविधा वहाँ पे हो रही थी उन्हीं को रोकने के लिए अभी जो पुलिस बल है वो यहाँ पे पहुँचा था और लगातार पीछे की जितनी भी दुकानें वहाँ पे मौजूद थी जो कि वहाँ पे लगाई गई थी जिस दायरे के अंदर रहते हुए उनको लगना चाहिए था उससे बाहर थी काफी। और अभी साफ तौर पर राष्ट्रदीप जी ने बोला है कि अगर आगे से ऐसी कोई चीजें इनको मिलती हैं तो उनके ऊपर तुरंत की तुरंत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो दुकानदार हैं वो भी संभले और भक्तों को तो हम यहां पे देख ही पा रहे हैं जिस प्रकार से जितनी भीड़ यहां पे मौजूद है और अब आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो उस समय पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई
देने वाली है, क्योंकि 14 तारीख की अगर मैं बात करूं तो उस दिन यहां का जो मेन मेला है वो होने वाला है और उसके बाद में 15 तारीख को भी वो रहेगा। तो अब पूरा का पूरा जो हुजूम है वो लगातार यहां पे उमड़ता जा रहा है और इसी तरीके से ये आगे बढ़ने वाला है। लेकिन साफ तौर पर जो पुलिस बल के, पुलिस प्रशासन के जो संकेत हैं वो मिल चुके हैं कि जो अप्रत्याशित चीज़ें की जाएंगी या फिर जो अतिक्रमण है वो किया जाएगा तो उसके लिए दंडनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।